हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं रेडी हो रही हूँ। लगाइए इसको, मैं रिकॉर्ड। आप क्या करोगी? और चीकू बोला मैं लूंगा। अच्छी नहीं चीकू, चीकू मम्मा को किसी दे दो। तो फ्रेंड्स, चीकू ने खुद आके मुझे किसी दिया है और मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और हम लोग रेडी हो चुके हैं और चीकू भी रेडी हो चुका है। चीकू दिखाओ, चीकू दिखाओ, बोलो हाय, बोलो। नहीं, अब पूरा रूम फैला हुआ है, आप लोग देख रहे हो, पूरा रूम फैला हुआ है। और चीकू भी बहुत मस्ती कर रहे हैं, चीकू मोबाइल ऑन करके अपना वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद मैं चल रही हूँ केक काटने, और मैंने पीच कलर का कुर्ता पहना है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जितना डेकोरेशन आप देख रहे हो, ये सारा मेरी बेटियों ने किया। मुझे पता भी नहीं था, मैं जैसे मैं ऊपर आई हूँ 8 बजे डिनर बनाने के बाद, तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने कितना अच्छा मेरे रूम को पूरा ने सजाया है। और मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी क्या दिया है मेरी बेटियों ने। मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, इससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये है वो गिफ्ट जिसकी मैं बात करी थी, जो मेरी बेटियों ने मेरे को दिया है। वो हर साल मेरे बर्थडे पे ऐसे ही कार्ड बना के देती है, मगर इस बार उन्होंने कुछ अलग ही किया है। उन्हें पता है कि मैं साईं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, और जो कुछ भी आज हूँ मैं साईं भगवान के कृपा से ही हूँ। तो उन्होंने अब की तो मुझे पेंटिंग ही बना के दे दी साईं बाबा की। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, उन्होंने अपने हाथों से बनाया, और उसके अंदर भी देखिए। उन्हें जो भी पता है ना कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वही चीज़ इस कार्ड में बनाया उन्होंने। आप खुद ही देखो कितना प्यारा कार्ड है, वाकई बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और चीकू चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, चले केक काट लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। फटाफट केक काट लेते, फिर आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज ये लोग सोचा होगा हमारे पास भी चश्मे की टी शर्ट है, इसको भी ये लोग पहनाना चाहिए हमको। तो दोनों भी लगभग है तो प्लेन ही प्लेन। अरे और यहाँ हम लोग चीकू को केक खिलाए थे, चीकू नहीं खा रहा था, वो अपने पापा के ऊपर चढ़ा जा रहा है, आप लोग देखिए। और मैं इसको जबरदस्ती केक खिलाने की कोशिश कर रही हूँ।
हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग ने देखा, मैंने अपना बर्थडे बहुत सिंपल तरीके से मनाया है, और ऐसे मैं मनाती हूँ अपना बर्थडे, बहुत ही सिंपली मनाती हूँ। और फ्रेंड्स, इस समय रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। और डिनर करने के बाद आज रात में हम लोग काफी देर तक जगेंगे, हम लोगों ने सोचा है ना, जगेंगे ना, और उसके बाद हम लोग थोड़ी मस्ती करेंगे। मस्ती क्या करेंगे, मतलब ये नहीं होता है, थोड़ा इंजॉय करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, यही सब हम लोग करेंगे, काफी इंजॉय करेंगे। क्या करेंगे? और यहाँ पे लोग मुझे बहुत चिढ़ा रहे हैं, और चीकू अलग मस्ती कर रहा है। और आप लोगों ने मेरे से बोला था, दीदी आप अपने बर्थडे का वीडियो हम लोग के साथ शेयर करो, तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वैसे मैं नहीं करने वाली थी। और ये जो मैंने कुर्ता पहन रखा है फ्रेंड्स, ये काफी ढीला है और ये सिल्क पे है। मैं स्मॉल पहनती हूँ, ये मीडियम है, तो इसको मुझे फिटिंग करानी होगी। काफी ढीला है, आप लोग देख रहे होंगे, और काफी अच्छा लग रहा है। ये मेरा गिफ्ट है आज का। क्या चीज किसको देने जा रहे हो? केटू आइसक्रीम खाएगा। अच्छा, चॉकलेट खो रहा है, तो चीकू की दीदी इसको चॉकलेट खिला रही है। चॉकलेट क्या है? साई भी तो है दीदी। दीदी गुस्से भी है। दीदी क्यों गुस्सा? दीदी पता नहीं क्यों गुस्सा हो जाती है, हर बात पे, हर बात पे गुस्सा, हर बात पे गुस्सा। मुझे गाली देती है ना, क्योंकि मेरी फ्रेंड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं अपनी बेटियों के साथ। हम बहुत ज्यादा मस्ती करती हूँ, और ये जो मेरी बेटियां ना, मुझे नहीं लगता है कि ये मेरी बेटियां, ऐसे लगता है हम लोग दोस्त हैं। हम लोग एक दूसरे से ऐसे बातें करते हैं, और हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, काफी अच्छा लगता है हम लोग को। और हम लोग लड़ाइयां भी बहुत करते हैं, जैसे दोस्तों में लड़ाई होती है, फ्रेंड्स में लड़ाई होती है, वैसे हम लोग की भी लड़ाई होती है। और हम लोग लगता ही नहीं है कि माँ बेटी, हम लोग जैसे लगता है ना दोस्त फ्रेंड। आप ये जो ईयर रिंग देख रहे हैं, ये मेरी दोनों बेटियां ने मुझे गिफ्ट किया है, और बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखिए। और ये मुझे आज सुबह ही मिला है, और अभी मेरे एक दो गिफ्ट अभी मैंने खोला ही नहीं है, वो पड़ा हुआ है, सुबह से ये मुझे मिला था, वो पड़ा है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी उसमें क्या था। वो राज ने मेरे को दिया था। खाने में मैंने आज कुछ भी ज्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि आज भी हमने बाहर से ही खाना मंगाया था, और आज फुल टाइम हम लोग कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चिप्स और यही सब खा के रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया है कि मतलब आप लोग के कमेंट और आप लोग का प्यार देख के ना मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हो, कि आप लोग मेरे बर्थडे के एक दिन पहले से मुझे विश किए, मेरे बर्थडे को याद रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जिनके नाम मुझे रट चुके हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, वो मुझे हमेशा दीदी दीदी कहते हैं, तो मुझे लगता है सही में मैं उनके रियल में दीदी हूँ, और मैं उनको रियल दीदी को अपनी बहन मानती हूँ। आप लोग जितने मेरे सब्सक्राइबर हो, वो सब्सक्राइबर मेरे नहीं हो, मेरे फैमिली जैसे ही आप लोग हो। तो मैंने चीकू के बर्थडे पे कुछ आप लोगों से कहा था, मैं बताऊंगी कि मेरी एज क्या है। बहुत लोग पूछते हैं मेरी एज क्या है, तो आज मेरी एज एक साल और बढ़ गई है, और मेरी एज क्या है मैं आपको बताऊंगी। मेरी एज है 22 सितंबर 1985, और आप लोग जोड़ के बताओ कि अब मेरी एज कितनी हो गई है। आज मैंने आप लोग को बता दिया कि मेरी एज क्या है, आप लोग मुझसे बार बार पूछते थे ना कि मेरी एज क्या है, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि मेरी एज क्या है। और ये देखिए मेरा कुर्ता कितना ढीला डाला है, और आज नया ड्रेस पहनना था इसलिए मैंने पहन लिया है। मुझे बहुत पसंद आया ये ड्रेस, बहुत ही इसका कलर बहुत अच्छा है, पीच कलर है, काफी अच्छा कलर है, मगर इसको जब तक मैं फिटिंग नहीं कराऊंगी, जब तक मैं इसको फिटिंग नहीं कराऊंगी, तब तक मजा नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू।